हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। 9 पार्ट्स पे हुई है, 12 से लेकर 2 बजे तक के बीच में। तो इसका मतलब ये आपका कौन सी शिफ्ट का होगा, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। तो इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन आपके किस तरह से बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला कि एक पर्सन जा रहा है जे से के, स्पीड इसकी इतनी है। एक कम बैक के से जे, वापिस आ रहा है, स्पीड इतनी है। तो के से जे आने में कितनी स्पीड लगी होगी। तो डिस्टेंस देखो, दोनों बराबर। डिस्टेंस अगर दोनों बराबर तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। एक्स की वैल्यू दे रखी 2 × x, कितना 55 × y कर दो, और नीचे क्या करो, इन दोनों का प्लस कर दो, स्पीड का एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि कितने बराबर दे रखे हैं, 660/17 बराबर। ओके, तो 660 है तो 2 × 55 कितना हो गया, 110 हो गया। 110 वाई है, तो वाई की जगह हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, राइट। जब भी तो 660 बनेगा, एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जब भी तो 660 बनेगा भाई। ओके, और अगर इसको 6 ले तो 55 और 6 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो भाई इस ट्रिक से तो नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, कोई अलग सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या सॉल्यूशन करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये आपका 110 हो जाएगा, और गुना में 17 हो जाएगा, और गुना में वाई हो जाएगा। इधर आपका 660 हो रहा और 55 + y हो गया, ठीक है। तो 110 से आपका ये कितना चला जाएगा, 6 पर चला जाएगा। 17 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 55, कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और 33 + 6 y, y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 y, 11 y की वैल्यू 330 है, और y की वैल्यू आप कितनी दे दोगे, यहां से 30 दे दोगे, तो 30 आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है सर्टन सेम 2 साल के लिए। ओके, 60% पर इज इतना है, 60% पर 2 साल के लिए इतना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसी सम पर 3 साल के लिए उसी रेट पर, ठीक है। 60% है तो इसका मतलब 3/5 हो गया। 2 साल का है तो 2 साल का देखो आप, लगाते हैं अपना लॉजिक, ये प्रिंसिपल ही अमाउंट। अगर 5 प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना हो गया, 5 और 3, 3 को ऐड कर दो, जो न्यूमरेटर उसको ऐड करते तो डिनोमिनेटर में 8 हो गया। ओके, 8 हो गया, तो इतना आपका हो गया। आगे देखते हैं, तो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए ऐसे लगा दो, 1 साल के लिए ये हो गया, सेकंड साल के लिए ये हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई कराओ 25, ये आपको मल्टीप्लाई कराओगे 64, कितना है डिफरेंस चेक करो। 25 से 65 का डिफरेंस होता तो 40 होता, तो एक 39 है, 39 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी, 6240। प्रिंसिपल कितना है, 25 है, याद रखना, 25 की मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी अपना आंसर आएगा, ठीक है। क्या 39 पर कुछ ज्यादा ही है, 39 × 2 = 58, ओके सॉरी 78 होता, 39 × 1 = पर चला जाएगा, और 4 × 6 पर चला जाएगा, 160 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल को भी 160 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से प्रिंसिपल कितना है, 25 × 160 आया। इन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 60% ब्याज से 60 से और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, डबल 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गई। तो कितना हो गया, 3 × 6 = 18, 18 × 16 करो पहले, तो 25 × 16 आप करोगे, 25 × 6 = 150, 25 × 25 = 150, 400, और गुना में 18 कर दो, 18 × 4 कितना होता है, 7200, आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। देखो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की हमें वहां जरूरत पड़ती है जब तक हम सोल्व नहीं कर पाते। अगर आपको इसको कम्प्लीटली सोल्व करना है तो आप सीधा साधा देखोगे, 3 यहाँ पर है, 6 से मल्टीपल हुआ 3 और 2 का, तो 3 यहाँ से आया, 3 × 3 = 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना आपने, और कुछ करना ही भी नहीं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी डिजिट का सम कितना होना चाहिए, आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 8 = 14, क्या 9 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। 7 और 2 = 9, ये हो जाएगा, 7 और 1 = 8, ये भी नहीं हो रहा, 6 और 5 = 11, ये भी नहीं हो रहा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये दिया गया है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा 3ab और a प्लस बी आपको दिया जाता है, ठीक है, इस चीज से टेंशन मुक्त रहो। ओके, और अगर ये फॉर्मूला किसका बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब बनता है। ओके, तो ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो बस ऐड कर दीजिए 25 + 0.75 को, दोनों को ऐड करोगे तो इसका क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 64 आपका सीधा का आंसर दे देगा। आप इस पर टाइम वेस्ट ही मत करिए, ये हमेशा करेक्ट ही दिया पाएगा, ठीक है, तो हमेशा ये चीज आपको ये दी जाएगी, ठीक है। कभी आप सोचते रहो टाइम वेस्ट करो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, आप सीधा साधा कैलकुलेशन करके आगे बढ़े। इसको सोल्व करना और लाइज करना किसके बीच में आएगा, 1/2, 3/4, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4, 2, 3, 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, 2 और 3, 5 हो जाएगा। ओके, 2 और 3, 5, हाँ ठीक है, 5 से आपका 1, 2, और मल्टीप्लाई करो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से आपका ये 2 ऊपर, ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5 जाएगा, ठीक है। 2.5 किसके बीच में है, क्या इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, तो इसके बीच में है कहीं ना कहीं 2.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्कूल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, सभी का सम कर दो यहां से यहां तक का, कर दो भाई, 0, 6 और 8, 14 और 1, 15 और 4, 19, 19 और 9, 19 और 9, 28, 28 और 5 कितना हो गया, 33। 0, 3 लास्ट माना चाहिए, 0 और 3 लास्ट में है और बाकी ऑप्शन में नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं अगर मेरा ऑप्शन मैच हो रहा था, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको पूरा कैलकुलेशन करें इस टेबल 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्सन है जो सम ले रहा है, मनी ले रहा है एनुअल रेट 20% पर सिंपल इंटरेस्ट के साथ। ओके, 10 साल में इंटरेस्ट जो होता है वो 800 रुपये ज्यादा हो जाता है उसी पर, तो सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि कितना होगा। तो आप एक चीज देखो, बीस परसेंट अगर मैं इसका फ्रैक्शन से यूज करूं तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या प्रिंसिपल और ये क्या है, 1 आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और कितने साल में, 10 साल में। ओके, चलो आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरीका और दे रहा हूं। मान लो प्रिंसिपल पी है और पी को 20% से 20/100 कर दो इंटू में 10 साल। ओके, ये हमने काम किया है, ये जो एस आई आएगा वो क्या आएगा, 800 रुपये ज्यादा है उस सम से, तो प्रिंसिपल है उससे 800 रुपये ज्यादा है, ये आपको सॉल्व करना है। 0 से 0, 0 से 0, तो यहां से 2p आया, 2p - p = 800, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 800। प्रिंसिपल ये तो बताना था, सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक बस ट्रेवल करती है 166 किलोमीटर 3 घंटे से, और 3 घंटे और द देन नेक्स्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 2 आवर इतने किलोमीटर, क्या बात है, स्पीड बढ़ा दी, तो एवरेज स्पीड बतानी है। 166 किलोमीटर 3 घंटे से, तो यहां से जो टाइम आएगा वो देख लेते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो 166/3 आ जाएगा, तो ये तो 0.1 चल जाएगा। ओके, अरे हमने इतना क्यों करना है, यहां से डिस्टेंस निकालो, तो 134 × 2 कितना हो जाएगा, 8, 6 और 268, 166 और + 268 करना है, 166 और 268, 6 और 8 4, 7 और 6 13, और 2 और 1 3 और 1 4, बटे टाइम कर दो, 3 और 2 5 है, 5 कर दो डिवाइड बाई 5, तो 5 से कट करो, 5 8 5 6 5 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्पीड का, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ पर हम टोटल टाइम लिखेंगे जब भी, तो आपका टोटल स्पीड आएगा या एवरेज ऑफ स्पीड आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। 2 क्यूब हैं जिसकी एज 7 और 11 है, मेल्ट किया है और एक सिंगल क्यूब बनाया गया, तो क्या है, वॉल्यूम को करेंगे ना, जब भी तो नया वॉल्यूम बन के आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, तो नया वॉल्यूम निकल गया एक कोण अलग से क्यूब का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब बताना है।
तो बस वॉल्यूम बताना, 7 का क्यूब इधर कर दो, 11 का क्यूब इधर कर दो, और इधर किसका आएगा देख लेते हैं। 7 का क्यूब 3 4 3 होता है, 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है, कितना हो जाएगा 4 7 3 3 6 और 1 1674 वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा, और ये आंसर आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक पर्सन है जो 8 आर्टिकल खरीदता है 2 रुपये में, ठीक है, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, 4 खरीदेगा, याद रखना। व्हाट प्राइस शुड बी एबल टू सेल 120 आर्टिकल टू गेट टू प्रॉफिट ऑफ 10%। 120 आर्टिकल को वो कितने में बेचेगा ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 120 करता तो ये क्या हो गया, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 गुना 15 कितना हो जाएगा, 120 सीपी ले रहा हूँ यहाँ तो अभी मैं, और इधर भी 15 से कर दो तो 120 चीज 120 जो है ना वो 30 रुपये में सीपी कर रहा है, ठीक है। 120 हमें कितने में बेचने पड़ेंगे, यहाँ पे एसपी आ जाएगा ताकि 10% का प्रॉफिट हो। तो 10% का प्रॉफिट क्या होता है, सीपी और एसपी, 10% इसका मतलब 1/10 हो जाएगा, 10 से SP कितना है प्रॉफिट करना है, 11 हो जाएगा। इस 10 की वैल्यू इसने 30 दे रखी तो मल्टीप्लाई 3 है, तो इधर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 33 आपका राइट आंसर दे देगा SP में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि नंबर है, रेशियो दिया गया 3 और 5 का, HCF दिया गया 11। HCF क्या होता है, इन दोनों की कॉमन मल्टीपल होती है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कहता हूँ कि 11 जो है ना इन दोनों की मल्टीपल है, राइट, तो सम ऑफ टू नंबर बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 और 5 में कॉमन क्या है, 1 और 1, इधर से 1 1 है ना, और ये 1 नहीं, ये 1 करके क्या है, 11 है, क्योंकि क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 है, तो 11 को मल्टीप्लाई किया तो 11 हो गया। अब बोला कि सम ऑफ नंबर बताना, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, और 8 के साथ हम 11 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 88 आपका सही आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। रेक्टेंगल है जिसकी साइड ये है तो एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो 45 गुना 55 करना है, तो आप कैसे सोल्व करोगे, 45 गुना 45 प्लस 10 तो कर दोगे 55 को, और यहाँ से 45 का स्क्वायर प्लस 45 गुना 10 कर दोगे, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 25 4 चौक सॉरी 4 5 20 और प्लस में 450, ये तो काम करना आपने। और फिर भी अगर 45 नहीं भी समझ आए तो आप क्या करो, 9 गुना 5 है या आपका 11 गुना 5, दो डिविजिबिलिटी रूल देख लो 11 और 9 का, पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ये कट हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 5 10 और 2 12, 12 क्या डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता, 2 और 3 5 5 5 10 क्या डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता, ये भी कट ये भी कट, एक ऑप्शन आपके पास बचा वो आपका राइट हो जाएगा, बाकी आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपका। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हम करते हैं 90 दिन में, ठीक है भाई, 90 दिन में खत्म करते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो ए की एफिशिएंसी है जो है 3 है और बी की एफिशिएंसी है जो 5 है, दोनों मिलकर काम करते हैं 8, और कितने दिन में, 90 दिन में, तो टोटल काम आपका आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 8 गुना 90 720 आ जाएगी, ठीक है। हाउ मेनी डेज कैन फास्टर पर्सन कंप्लीट द जॉब, फास्टर पर्सन कौन होता है जो एक दिन में ज्यादा काम करता है, तो बी एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो इसका दिन बताने, तो 720 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 5 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144 आपका सीधा साधा आंसर आ जाएगा, और स्लोअर का देखना तो 720/3 कर दो, ये स्लो का आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिला जो है वो 3 एफिशिएंट ऑफ पीपुल है, ठीक है, कपिला और विपुल, एफिशिएंसी दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 का, अगर कपिला थ्राइस है 3 गुना है किससे, विपुल से, तो विपुल की 1 मान लेते हैं, कपिला की 3 हो जाएगी। बोला कि दोनों मिलकर 23 दिन में काम खत्म करते हैं, तो दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो 4 काम होगा एक दिन का, और 23 दिन करते हैं तो गुना 30 कर दो, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, कि विपुल अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल 120 काम है, एफिशिएंसी कितने, 1, इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, कितने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एक आदमी ट्रेवल करता है डिस्टेंस 110 किलोमीटर 11 घंटे में,
वे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर की स्पीड से, रिमेनिंग डिस्टेंस करता है 14 की स्पीड से, मतलब टोटल मिला 11 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल क्या है? अच्छा, 14 की स्पीड से जो है जाता है वो बाईसाइकिल, और बाई फुट कर रहा है 6 किलोमीटर पर घंटे से। मान लीजिए टोटल क्या है, 110 किलोमीटर है, टोटल स्पीड कितनी है, कितनी हो जाएगी, 110, 10 आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। सॉरी, हम स्पीड से नहीं करके हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड तो क्या है, एक जैसे होते हैं, तो हम टाइम का यूज करेंगे। टाइम कितना है, 11 घंटे, 11 घंटे टोटल कर रहा है क्या? कुछ डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, कुछ डिस्टेंस क्या जाएगा, 6 की स्पीड से जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ डी डिस्टेंस तो वो 6 की स्पीड से गया, तो ये आपका टाइम आ गया फर्स्ट। और दूसरा टाइम ऐड करेंगे कितना, रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब 110 टोटल है, 110 में से डी चला गया, तो 110 माइनस डी कर देंगे, जो कि 14 की स्पीड से जा रहा है। आपको ये काम करना पड़ेगा, दोनों टाइम है, टाइम को ऐड किया है, तो डिस्टेंस बाई बाईसाइकिल, ये आपका फुट का टाइम है, ये आपका साइकिल का टाइम है, बाईसाइकिल का जो भी है, तो 100 माइनस डी लगाना हमने। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू 14 डी एलसीएम यूज करोगे तो प्लस 660 माइनस 60 हो जाएगा, और जो 6 गुना 4 नीचे 6 गुना 14 होगा वो इधर हो जाएगा, 6 गुना 14। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8D+660, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 14 6 कितना हो जाएगा भाई, 14 6 84, 84 4 8 4 12, और 88 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 924 हो जाएगा, 11 4 44, 11 8 88 और 4 92। ठीक है भाई, ये हमने सॉल्व किया है, तो सोल्व किया तो 8D की वैल्यू निकाल लो, 924 में से 660 को माइनस करके, तो कितना आ जाएगा, 3 सॉरी 4 और 12 में से 6 गए 6, और 8 में से 2 6 गए 2, तो 8 को अब इससे कट कर दीजिए, 8 3 24, 8 3 24, तो डी की वैल्यू जो होगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू 33 है तो हमने क्या निकालना है, 110 माइनस डी, 110 माइनस डी करोगे तो 110 माइनस 33 आप करना पड़ेगा, तो 77 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज ऑफ सीरीज निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है, सभी का सम कर दीजिए, सभी का सम करके डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब पहले ही 5 कर रहा हूँ, तो यहाँ से 100 आ गया, यहाँ से 101 आ गया, यहाँ से 103 आ जाएगा, ओके, यहाँ से 106 आ जाएगा, ओके, यहाँ से 110 आ जाएगा, तो आप इनका प्लस कर दीजिए, आप 10 और 6 और 3 9, 9 1 10, 10 10 तो हो गया 20, और 5 520 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम 2013 से 2014, 2013 100 है और 2014 कितना, 75 है, कितना कम हुआ, 100 से 75 पर गया सीधा डाटा, तो 25 कम हुआ, 25 किस पे कम हुआ, जो पीछे वाला साल है, 100 पे इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, डिलीट कर दो 100 से 100, 25 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमपी ऑफ शॉप कीपर इतना है 1000, एक आदमी खरीदता है 833, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक तो 10 का और एक एक्स का है, तो आप देखोगे कि 1000 तो क्या है, एमपी है, ये तो दुकान वाले की एमपी, और ये दुकान वाले की एसपी, चाहे कोई भी इसको खरीदे वो हमें मतलब नहीं है, तो एमपी से एसपी बनाएंगे तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक तो 10 का, 10 का इसका मतलब 90 हो गया, 90/100 हो गए, गुना दूसरा क्या है, 100 माइनस x/100 इज इक्वल टू कितना, 873 है, 1 0 से 1 0, 3 0 से ही आपके 3 0 कट गए, 9 से इसको कट करेंगे, 9 81 और 6 3 9 9 7 63, तो 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 97 है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर दे देगा, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्कूल लाइब्रेरी में रेशियो ऑफ साइंस टू इंग्लिश दिया गया 10:11, और 400 साइंस की बुक है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ साइंस बुक, ओके,
फ्यू साइंस बुक आर एडिड बाय स्कूल अथॉरिटी एंड द रेशियो बिकम इतना हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है, 25-26 का हो जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइंस बुक एडिट, चलो देखते हैं भाई। बोला कि पहले क्या है, 10:13 का है, दोबारा कितना हुआ, 25:26 का हुआ। अगर मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश को सेम रहने देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा कि साइंस की बुक पहले तो 20 है, फिर इंग्लिश की 26 हो गई, साइंस की बुक 25 हो गई, 26 सेम है, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, साइंस की बुक को ऐड किया है। ठीक है, साइंस की बुक को ऐड किया है। देर आर 400 बुक, साइंस बुक 400 बुक हो गई, 400 बुक हो गई, कितना है 25, मतलब ऐड करने के बाद में जो है वो 400 बुक हो गई, तो 400 को यहाँ रख दीजिए। आपको निकालना क्या है, साइंस की बुक कितनी ऐड हुई, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 कितना हो जाएगा ये, 25 से 16, यही होगा ना, एक मिनट भाई, हाँ 16 हो जाएगा, सॉरी भाई ये 25 की वैल्यू ना है, 25 की वैल्यू नहीं है, 25 की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू, आपकी 20 की वैल्यू है, ये आपकी 20 की वैल्यू, जो पहले 400 बुक थी, बोला कि आपकी बारे ऐड कर दिया गया, तो यहाँ आप देखोगे 20 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कितना गया, 5 है, 5 ऐड किया, तो 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 गुना 20 कितना होता है, 100, 100 आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मतलब अगर आपसे होता नहीं हो तो इस तरह आप क्या करो, तो पहले 400 मतलब रेशियो निकालना है, 400 बाद में 100 और ऐड कर दो, 100 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो ये कितना है, ये 20 से मल्टीपल है, ये 25 से मल्टीपल है, यहाँ रेशियो देख लीजिए नए और पुराने वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वॉलेट में 3 कॉइन है, 1, 2 और 5 के, जिनके रेशियो ये है, कॉइन के रेशियो ये है, तो 54 रुपये टोटल है इनके पास, तो 5 कॉइन के कितने हैं, तो ये आपका 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन, किस तरह है, 2 है, 5 है और 3 है, इन टोटल रेशियो निकालता हूं मैं, इनका टोटल रेशियो मेरे पास यहाँ पर जो मैं निकालूंगा, ये आपके रुपये आ जाएंगे, ये तो कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, सॉरी भाई ये रुपीज है, तो टोटल 1 रुपये के 2 कॉइन है, तो 2 रुपये हो गए, 2 रुपये के 5 कॉइन है, तो यहाँ से 10 रुपये हो गए, 5 रुपये के 3 कॉइन है, तो 15 रुपये हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से, शेतो के आना 1, 2 और 5, ठीक है, इनका प्लस कर दीजिए, 17 आपके पास आ जाएगा, 17 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी, 54 दे रखे हैं, तो 17 की वैल्यू 54 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि इसने बोला कि 5 कॉइन के हाउ मेनी रुपीज, 5 कॉइन आर देर, कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, 3 की वैल्यू हमने निकालनी है, ये क्या दे दिया आंसर, तो क्या क्या डबल से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब डबल से मल्टीप्लाई किया, तो 17 का 54 की जगह 34 होना था, तो भाई ये क्वेश्चन या फिर ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करा, तो आप इसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, कुछ नहीं होता, अगर 34 होता है ना तो डबल से मल्टीपल होता, 3 की वैल्यू निकाली, 3 के भी हम डबल से मल्टीप्लाई कर देते, 6 आ जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप जरूर देखें अपने अकॉर्डिंग, ताकि क्या पता मुझसे कोई मिस्टेक रह गई हो। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो प्रिटेंड करता है सेल को, गुड्स को एट कॉस्ट प्राइस, बट यूज फॉल्स वेट, कुछ फॉल्स वेट करता है गेन, ताकि 10% का प्रॉफिट हो। सीपी आपको मान लो 10% का 1/10 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा आपका, सीपी आपका 10 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फॉल्स वेट बताना कि 1 केजी के लिए उसको कितना यूज करना पड़ रहा है। ओके, तो इसको मैं एक बार दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको, नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया, आपके बार नया पैटर्न दे दिया, वेट निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बात करता हूँ कि एरर एरर से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, मान लो कुछ गलती है, वो मान लो एक्स की गलती है, कितने पे गलती है, 1000 पे गलती है, क्योंकि 1000, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं सीपी एसपी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर सीपी और एसपी जो है वो इक्वल दिया गया है, और इक्वल देने की वजह से मैं सीपी और एसपी का यूज ना करके एरर का यूज कर रहा हूँ, एरर मतलब कितना इसने गलत दिया है, तो 1000 ग्राम पे एक्स का कमी की, राइट,
इतना कम किए हैं। अगर इसका परसेंटेज निकालो तो 100% हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% मतलब ये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, एक तरह का गेन हो गया, क्योंकि ये भी तो एरर है, यूज किया है तो कितना गेन है, 10% का यूज है, तो 10% के फ्रैक्शन हम कितना यूज करेंगे, 1/10 ही तो यूज करेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर तो 100x आ गया और ऊपर से एक जीरो और लगा देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 0 और x आ गया, और इधर आ जाएगा आपका 100 माइनस 1000 माइनस x आ जाएगा, तो 1000 माइनस x करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 999x आ जाएगा, प्लस करना है यार 11, क्या कर रहा हूँ, 101x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1000 राइट, x की वैल्यू निकालनी है, तो x निकालोगे तो क्या आएगा, x इजिकल टू 1001 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, x तो क्या है, x तो आपका एरर है, ये तो आपका एरर है, कितने पे एरर है वो हमें निकालना है, कितना एरर है, 1000 माइनस x का, तो 1000 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा इसके लिए भाई, एक सॉरी, तो या 1 कॉमन ले लेते, 1 माइनस 1/1001 हो जाएगा, 1001 में कॉमन निकालोगे तो 1000 बाई 1001 हो जाएगा, ये फिर उतना ही आ गया भाई। तो भाई इसको कैलकुलेट कैसे करें, थोड़ा कुछ मुझे लगता है कोई ना कोई फिर गलती की है मैंने, चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को और अपने SCPSP के मेथड से देखते हैं। कैलकुलेशन तो वैसे ठीक थी लेकिन पता नहीं क्या मिस्टेक हुई होगी। तो अब देखो CP और SP ने बराबर बोला, तो CP और SP का जो भी रेट आएगा वो इक्वल होगा, और वो इक्वल कैसे होगा जब हम इन दोनों के अपोजिट लेंगे, तो या 11 आ जाएगी या 10 आ जाएगी। अब देखोगे तो 110 यहाँ, 110 यहाँ, तो SP और CP बराबर है, कोई भी गेन नहीं है। तो इसने बोला है कि ये आपका SP की थिंग है, ये आपकी CP की है। ठीक है, तो इसने बोला 10% है, तो आप देखो 10% है तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे क्या है, 10% का प्रॉफिट दे रहा है ना, 10 से 11 बना दिया, और बाकी हमें इसको सोल्व भी नहीं करना, तो आपको सोल्व किसका करना है, इस 11 की वैल्यू इसने क्या दे दी, 1000, इस 11 की वैल्यू दे दी इसने 1000, तो हमें क्या निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/11 हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, और 10 की वैल्यू निकालो बटे इंटू 10 कर दोगे तो कितने आए, 4 0 हो जाएगी बटे 11, क्या आया, 11 नहीं और 99, 1 0 0 11 नहीं 99.909 आया, 909, अरे बेवजह इस मिस्टेक में बड़े हैं। ठीक है, इससे अपना सोल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉरी इतने लॉन्ग प्रोसेस के लिए, तो 20 क्वेश्चन आज के इस एग्जाम में कंप्लीट करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छे से कराए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट हुए थे इसलिए मैं थोड़ा लेंथी प्रोसेस कर गया, तो उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए एग्जाम में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।